नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनोखा बिजनेस आइडियाज। दोस्तों आप लोग काफ़ी डिमांड के साथ एक बार फिर से आए हुए हैं रोजगार की तलाश में। आज हम पहुंचे हुए हैं पटना के अरमाइंड इंडस्ट्री में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। चलिए दोस्तों आज हम बताएंगे नोटबुक मेकिंग मशीन के बारे में। नोटबुक मेकिंग करके आप किस तरह से अपना बिजनेस लगाइएगा और मिनिमम कितना में लगाइएगा और किस तरह से बिजनेस करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाइएगा। चलिए आज इनसे मिलते हैं। तो ये है अरमाइंड इंडस्ट्री के मैनेजर। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे मैडम। जी आपका भी बहुत स्वागत है सर हमारे कंपनी में। अच्छा मैडम, ये जो बोल रहे हैं नोट बैक मेकिंग मशीन, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे अरमाइंड इंडस्ट्री में कितने तरह की मशीनें आते हैं? हमारे पास में तो सर बहुत तरह की मशीनें हैं, लघु उद्योग से रिलेटेड लगभग हम लोग सारी मशीन मिल जाएगी ना? जी लघु उद्योग से रिलेटेड हम लोग सारी मशीनों में डील करते हैं। अच्छा मैडम, आप जो आज जो बात करने वाले हैं प्रॉपर किस मशीन के बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं नोटबुक मेकिंग मशीन। नोटबुक मेकिंग मशीन है ना? हाँ जी, हम लोग किस तरीके से नोटबुक बनाते हैं। अच्छा मैडम, ये जानना चाहेंगे जो गरीब तबके के लोग हैं अपना रोजगार लगाना चाहते हैं, वो नोटबुक मेकिंग मशीन कम से कम कितना में लगा सकते हैं? मिनिमम सर आप अगर पूंजी की बात करें तो हम 25,000 से मात्र नोटबुक मशीन लगा सकते हैं। मात्र 25,000 में सेटअप हो जाएगा उनका? नहीं, अगर पूरा सेटअप चाहिए उनको कि एक छोटा सा स्टार्टअप करने के लिए, सिर्फ शुरू में छोटा सा स्टार्टअप करने के लिए अगर उनको रोजगार अपना चालू करना है तो मात्र 25,000 से। 25,000 है ना? अच्छा मैडम, जो लोग नए लोग हैं रोजगार करना चाहते हैं तो मात्र 25,000 के मशीन लगा करके रोजगार शुरू कर सकते हैं ना? जी मात्र 25,000 का मशीन लगा करके रोजगार चालू कर सकते हैं। अच्छा मैडम, रॉ मटेरियल की बात करें तो? हाँ, अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो ये आपका हो गया पेपर, हो गया कवर, हो गया इस तरीके का, वो सारा चीज हम लोग सारा अवेलेबल करवा, सब यहीं से अवेलेबल करा दीजिएगा ना? स्टिचिंग वायर हो गया आपका इस तरीके का, सारा कुछ यहीं पे मिल जाता है। अच्छा मैडम, ये रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल इसका क्या कैसे कैसे मिलता है? रॉ मटेरियल में हो जाता है आपका अलग से आपका एक स्टिचिंग वायर जिसको हम लोग पिनअप बोलते हैं, स्टिचिंग मशीन में काम आता है। दूसरा आपका ये आपका हर एक तरीके का पेज आ जाएगा, रफ यूज़ के लिए, फेयर यूज़ के लिए जो पन्ना, वो भी हम लोग अवेलेबल करवाएंगे। मतलब प्रॉपर रेट की बात करें तो कितना रहता है? फिर ये हम लोग का कवर हो गया सारा। अगर रेट की बात करें तो मिनिमम आपका ये 50 रुपये kg, 40 रुपये kg, ये सब आपका 80 पैसे, 70 पैसे, 50 पैसे, ये सब शुरू रहता है आपका सारा। अच्छा मैडम, एक कॉपी को बनाने में टोटल कितना खर्च पड़ता है लगभग? अगर 1 kg आप माल ले रहे हैं पेपर, आप अगर एक कॉपी आप 10 वाली बनाना चाहते हैं तो लमसम में आपका 4 रुपये में आपका कॉपी बनकर तैयार हो जाएगा। 4 रुपये में प्रॉपर रेडी हो जाएगा ना? मैडम मार्केट सेल का देखते हैं, सेल जाएगा सारी से। मार्केट में अगर आप सेलिंग के लिए देखते हैं सर, एक तो आपका एरिया पे डिपेंड करता है किस तरीके का आपका सेलिंग है। अगर गांव इलाका है, शहर एरिया है, 50 पैसे इधर उधर करके आप सेल कर सकते हैं। अगर आप 4-4.5 में बहुत अच्छा पन्ना देकर अगर आप कॉपी बना रहे हैं, 4.5 में रेडी हो रही है आपकी कॉपी, तो आप उसको 5.5-6 तक आप सेल कर सकते हैं। 5.5-6 तक है ना? 6 में सेल करेंगे तो फिर अगला उनको 10 में सेल करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, फिर वो 10 तक पहुँचते कंज्यूमर में सर बीच में 2-3 लोग भी तो हम अगर आप बनाइएगा, आप बना करके दीजिएगा होलसेलर डीलर को, होलसेलर डीलर देगा रिटेलर को, रिटेलर देगा फिर आपको जो मंडी में आदमी रहता है उसको, फिर कंज्यूमर तक पहुँचता है, तो बीच में सभी लोग तो लेते हैं एक एक। अच्छा मतलब रिटेलर सारा यहीं से अवेलेबल कर दीजिएगा आसानी से क्या आप? अगर सर उस एरिया का हमारे पास में रहता है होलसेलर डीलर तो हम उनको ज़रूर कांटेक्ट करवा देते हैं और हम जितना हो सके हेल्प करने का उनको यहाँ से कोशिश करेंगे, सेलिंग के लिए, नोटबुक की मशीन के लिए या फिर आपका रॉ मटेरियल के लिए सारा चीज़। अच्छा मैडम, इस रोजगार की बात करें तो ये तो कहीं बंद होने वाला फ्यूचर में तो नहीं है इसका? नहीं सर बिल्कुल, जैसे अभी थर्माकोल बंद हो गया है ना, क्योंकि वो पोल्यूशन क्रिएट करता था। अगर ये पन्ना आप अभी जाके पानी में इस तरीके से करके डाल दीजिएगा ना तो ये सारा बायोडिग्रेडेबल है ना, इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल कोई चीज़ नहीं है, तो ये कभी भी लाइफ में बंद होने वाली चीज़ नहीं है। बच्चे बूढ़े हर लोग, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, सभी जगह पे यूज़ है इसका। अच्छा मैडम, हम ये जानना चाहेंगे आपसे, मतलब कुछ लोग हैं जो बेरोजगार है जी और अनपढ़ भी है साथ में, वो अपने आप को डिमोलाइज फील करते हैं कि हमसे कैसे होगा, हम तो अनपढ़, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो हम कैसे करेंगे, हमसे तो नहीं हो पाएगा, उनको थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए। जी जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि हम कैसे करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, सही बात है, बहुत लोग आते हैं ऐसे कस्टमर भी कि मैडम हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसा रोजगार बताइए कि हम कर लें। तो इसमें पढ़ा लिखा हो नहीं हो, मेजरमेंट करना, नापना, वो सब लोग कर लेते हैं इतना, ये नहीं इसमें बहुत पढ़ा लिखा आदमी का ज़रूरत है बनाने के लिए। हम इंजीनियर जो प्रोवाइड करते हैं वो आपको इतने अच्छे तरीके से उनको ट्रेनिंग देंगे कि उनको ऐसा फील ही नहीं होगा कि मेरे से ये काम नहीं होगा, ईजिली उनके सामने वो खड़े रहेंगे और वो कॉपी बनाकर उनको दिखाएंगे, ठीक है। तो पूरा आपको अंडरस्टूड किया जाएगा इसके माध्यम से, आपका ट्रेनिंग, आपका इंस्टॉल, आपका सब कुछ कराया जाएगा इंस्टीट्यूट में। यहाँ सारा ट्रेनिंग कराया जाएगा ना मैडम? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी ना? कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा मैडम, कोई यहाँ से मशीन लेगा अगर उनको कोई तकनीकी इशू आता है तो मतलब कैसे आप लोग सॉल्व करते हैं?
अगर सर आपका कोई ऐसा टेक्निकल इशू आया, मशीन है जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, देखिए मशीन है नहीं होती है तो कभी कुछ नहीं होगी, अगर होनी रहती है तो होती है, बिल्कुल सही बात है, मशीनरीज है कुछ कह नहीं सकते। तो अगर इस तरीके का अगर उनको इशू आता है कभी भी इन फ्यूचर, तो अगर नज़दीक के हैं बहुत तो हम 24 घंटे में ही उनका सॉल्व कर देंगे, अगर थोड़ा दूर है तो 48 घंटे हम समय लेते हैं बस। बाकी मशीन की वारंटी रहती है 5 साल तक की, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ कंपनी देखेगी। अच्छा मैडम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मशीन से कितने तरह के हम कॉपी बना सकते हैं? इस मशीन से सर बहुत बड़ा बड़ा कंपनी भी है, बहुत बड़ा ब्रांड है जो अपने कॉपी को ब्रांडिंग कर चुकी है, जो लोग मशीन लेंगे ब्रांडिंग कर सकते हैं फ्यूचर आगे चलकर। जी जी जी, अगर आपको मन है कि यहाँ पे हम अपना लोगो डालें, अपना वो करवाएं, स्कूल का नाम करवाएं प्रिंट, तो वो सारा काम हम लोग यहीं से करवा करके देते हैं। अपना लोगो उनको करवाना है, जो भी अपना नाम दिलवाना है, बहुत सारे लोग हैं कि भाई मुझे अपना नाम होना चाहिए, हम अपना पब्लिकेशन बनाएंगे, हाँ तो वो सारा काम हम यहीं से उनको करवा करके देंगे टोटल चीज। अच्छा मैडम इस मशीन से कितने तरह कॉपी बना सकते हैं? अगर सर बात करें कॉपी बनाने की, तो आप जैसा देख रहे हैं अगर आप डाप प्रेस का सेटअप में लेते हैं तो आप इस तरीके का 10 की 20 की 25 की कॉपी बना सकते हैं। एज स्क्वायरिंग का सेटअप में लीजिएगा तो आप अपना मोटाया कॉपी, डायरी हो गया, रजिस्टर हो गया, बड़ी कॉपी हो गई, फिर स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी आती है इस तरीके, अभी मार्केट में ये काफ़ी डिमांड है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। हाँ जी, तो ये भी काफी अच्छा है सर, ऐसा भी कॉपी बना सकते हैं, मतलब इससे इस तरह की कॉपी आप आसानी से बना सकते हैं ना मैडम, जिस तरीके से चाहते हैं आप उस तरीके से सारा चीज आप कर सकते हैं। अच्छा मैडम आपसे ये जानना चाहेंगे इसका रॉ मटेरियल आया था प्रति केजी कितना आता है? अगर आप रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं सर, तो अगर स्पाइरल बाइंडिंग का लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा पेज यूज़ होता है, तो इसमें हम लोग 60 रुपये 65 रुपये पेजेस का लेकर के शुरू करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं इस तरीके का कि हम नॉर्मल कॉपीज बना रहे हैं, तो 50 रुपये 55 रुपये 40 रुपये में आपका अच्छा अच्छा क्वालिटी का पेज आ जाए। रफ कॉपी की बात करें तो मैडम, हाँ जी GSM वगैरह थोड़ा बताइए। हाँ GSM का अगर है तो वो 48 GSM 50 GSM 52 GSM 56 GSM इस तरीके का GSM में आता है पेपर, जितना ज़्यादा GSM होगा जितना अच्छा क्वालिटी का पेज होता है। तो अगर रफ यूज़ के लिए यूज़ करना है तो आप इस तरीके का पेज भी दे सकते हैं, गोल्ड टाइप में ये पेज होते हैं सारे, ये सारे आपको मात्र 45 के बीच में आ जाती है। अच्छा मैडम जो पटना में अवस्थित है अरमान इंडस्ट्री, ये कितना दिन से लगभग स्थित है यहाँ? ये हमारा सर लगभग 15-16 सालों से कंपनी, 15-16 साल से आप लोग का एक्सपीरियंस है ना मैडम इस फील्ड? बहुत सारा एक्सपीरियंस है, प्लस इस फील्ड में हम लोग को पता है कहाँ पे क्या फॉल्ट आनी है, कहाँ पे कैसे मशीनरीज को समझाना है, बताना है, क्लाइंट्स के लिए क्या प्रॉफिटेबल है उनके अकॉर्डिंग हम मशीनें डील करते हैं उनके लिए। अच्छा मैडम एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि मैडम ये यहाँ से मतलब अभी तक कितने लोग रोजगार मिल चुका है और आपने आपको आत्मनिर्भर बना चुके हैं? सर लगभग अनगिनत, काउंटिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, 15-16 साल से मतलब अगर कंपनी टिकी हुई है सर, आज के डेट में डेली कंपनी खड़ी हो रही है, खड़ी हो रही है, फिर 6 महीना चल रही है, 2 महीना चल रही है, बंद हो जा रही है, मतलब अगर हम 15-16 साल से चला रहे हैं, मतलब हम सर्विसिंग भी दे रहे हैं, मशीन भी दे रहे हैं, मटेरियल भी दे रहे हैं, तभी कंपनी है खड़ी, है ना। तो अगर उनको ऐसा कुछ लगे भी माइंड में किसी व्यूअर्स को, कस्टमर्स को, तो वो आ सकते हैं, मशीन देख सकते हैं, सामने से बात कर सकते हैं, लेना ना लेना तो उनकी मर्जी। अच्छा मैडम कोई व्यूअर को मशीन लेना है तो उनको क्या करना होगा? सर आप ये डिस्क्रिप्शन में लिंक पे स्क्रीन पे नंबर जो जाता है उस पर भी कॉल करके वो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। यूँ समझ लीजिए बस कॉल कीजिए, बस चले अपना जी, बस बस मैडम आपको पूरा कोऑर्डिनेट करेंगी आने के लिए, बताने के लिए सारा, अगर आपको डिटेल्स आने के पहले व्हाट्सएप पे चाहिए तो वो भी सारा आपको मिलता है। अच्छा मैडम इस मशीन को लगाने के लिए कितना जगह की जरूरत होगी? सर अगर मिनिमम जो हम बताएं आपको 25,000 से मशीन आप लेके शुरू कर सकते हैं, वो आपका सिंपल एक 10x10 के कमरे में आप चालू कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बड़ा सेटअप में करना है तो 10x15 का रूम, 20x20 रूम आराम से आप इतने में सेटअप कर सकते हैं। और सर मेन इसमें बात ये है, सबसे फायदे की अभी जितनी भी मशीन आ रही है सारा सिंगल फेज लाइन वाली आ रही है, बिजली सिंगल फेज कराएगा मशीन ना मैडम? एक तो मैनुअल आ ही रहा है, जिनके बहुत लोग ऐसे हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, हमारे घर में लाइन की सुविधा नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हैं, बिना बिजली के चलने वाली मशीनें ले सकते हैं। अगर जिनको चाहिए कि बिजली की हम मशीनें लें पर हम लाइन वाइन की इतना टेंशन नहीं ले सकते, तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि सिंगल फेज की सारी मशीनें हैं, घर की बिजली पर चलने वाली हैं। ये घर के बिजली से लगा आसानी से ना मैडम? हाँ, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम। सिंगल पे जो घर में यूज करते हैं लोग अपना फैन वगैरह फ्रिज वगैरह यूज करते हैं उसमें आसानी से लगा सकते हैं। हाँ जी 220 वोल्ट इसको चाहिए मात्र 220 वोल्ट ना। अच्छा मैडम इस मशीन को जो लोग लगा लिए
उनको प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? मतलब प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए, अगर आप दिन भर में सर मैनुअल मशीन भी लीजिएगा तो कम से कम आपका 2 से 3 हज़ार कॉपी पर डे बना देगा। पर डे 3 हज़ार कॉपी का प्रोडक्शन होगा, पर डे 3 हज़ार कॉपी का प्रोडक्शन होगा। तो मान के चलिए अगर आप महीने का भी कर रहे हैं तो मतलब लगभग में आपका 60 हज़ार कॉपी बननी है। अगर आप 60 हज़ार कॉपी सेल भी कर लेते हैं तो महीने का 20 से 30% प्रॉफिट, मतलब आराम से आप 30 से 40 हज़ार महीना कमा सकते हैं मिनिमम। अगर ज़्यादा कमाना है तो 2-3 स्कूल पकड़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी में आप माल सप्लाई कीजिए, होलसेलर डीलर अच्छा रखिए, बहुत अच्छा है। अच्छा मैडम, जो लोग मतलब प्रोडक्ट अब तो रेडी हो गया मार्केट में सेल के लिए रेडी है, तो वो लोग कहाँ कहाँ सेल कर सकते हैं? सर सेलिंग के लिए आप अपने नियर बाई एरिया में या फिर जहाँ पे होलसेलर डीलर है उनसे कांटेक्ट कीजिए, या फिर कोई स्कूल है अच्छा उनसे कांटेक्ट कर लीजिए कि भाई हम इतना रोज़ आपका माल देंगे बना करके हर दिन में जितना कॉपी का रिक्वायरमेंट है, अगर ऐसा रहता है तो हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं। अच्छा मैडम, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग बिजनेस तो लगा लिए उनका प्रॉफिट भी हो रहा है और आगे चल के और बढ़ाना चाहते हैं, उसको बड़ा मशीन लगाना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी, अगर जैसे बहुत लोग बिजनेस कर रहे हैं जिनको कि फुल्ली ऑटोमेटिक अब मशीन लगानी है 12 लाख 14 लाख 10 लाख की, वो भी आराम से आ सकते हैं यहाँ पे। पहले आप 30% पेमेंट जमा करके मशीन बुक करवा के यहाँ से मशीन आएगी तब उनको पेमेंट करना है, मशीन ले जाइए, हम इंजीनियर देंगे, वो पूरा ट्रेनिंग देकर बताकर सिखाकर मशीन चालू करवाएगा। नहीं फाइनली कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आप चले आइए, बाकी सारा ट्रेनिंग यहाँ पे आपको। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बस आइए समझिए, मशीन ले जाइए, पेपर ले जाइए, काम चालू कीजिए। मैडम बहुत सारे लोग तो पटना आ जाते हैं लेकिन सही एड्रेस पहुंच नहीं पाते हैं, तो हमारे व्यूअर को एक बार अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से एड्रेस बता दीजिए। पहली बात तो हम व्यूअर्स को कहना चाहेंगे कि जो आपको एड्रेस अभी लोकेट हो रहा होगा आप वो अगर नियर बाय के हैं तो वो पढ़कर भी आ जाएंगे, अगर जिनको नहीं पता चल रहा है वो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उस पे भी कॉल कर सकते हैं, अगर उससे भी नहीं पता चल रहा तो मैं उनको गाइड कर देती हूँ। हमारा कंपनी का लोकेशन है अरमाइन इंडस्ट्रीज, नियर बाय फोर्ट हॉस्पिटल, फोर्ट हॉस्पिटल के ठीक अपोजिट में हमारी कंपनी है, खेमनी चौक मेन बाई पे। ठीक है दोस्तों, आज तक वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखें।